दोस्तों, आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो काफी जबरदस्त लुक वाली स्कूटर है और दिखने में बेहद शानदार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी विदेशी ब्रांड की स्कूटर होगी, लेकिन यहाँ आप गलत हैं। विदेशी ब्रांड नहीं बल्कि बजाज का है बवाल लुक वाला ये स्कूटर। जी हाँ, पेट्रोल से ज्यादा पिछले साल इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बोलबाला रहा है और इसी को देखते हुए पुरानी कंपनियों के साथ ही नई कंपनियों ने भी भारतीय मार्केट में अपनी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पेश किया और इसी कड़ी में बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में जोरदार मुकाबला पेश करने वाली है। पिछले साल बजाज चेतक को भी कंपनी ने इलेक्ट्रिक रूप में पेश किया था, जो कि ग्राहकों को काफी पसंद भी आया था। वहीं अब बजाज का एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है। आपको बता दूं कि आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर हस्कवर्ना वेक्टर पर आधारित बजाज ईवी है। ये स्कूटर बजाज चेतक का अपडेट हो सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, तो आइए आज आपको हस्कवर्ना वेक्टर के बारे में पूरी बात डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दरअसल कंपनी हाल ही में अपने पुणे प्रोडक्शन प्लांट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्रोडक्शन के लिए नया प्लांट बनाने का ऐलान कर चुकी है। इसी प्लांट में हस्कवर्ना और वेक्टर का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। हस्कवर्ना हस्की वेक्टर स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। सड़कों पर देखे जाने के बाद माना जा रहा है कि ये एक स्टाइलिश लुक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा और कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि इस साल 2022 की शुरुआत में सामने आया इलेक्ट्रिक स्कूटर ही वेक्टर इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। इसकी रेंज और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 4kW इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो कि एक बार चार्ज करने पर 95 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। वहीं हस्कवर्ना इलेक्ट्रिक स्कूटर जब स्पोर्ट मोड पर चलता है तो ये रेंज एक बार चार्ज करने पर 85 किलोमीटर हो जाती है। इसके साथ ही 45 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड इसमें आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें 3kWh लिथियम आयन बैटरी पैक होने की उम्मीद है। इसके लुक की बात करूं तो कंपनी ने इस स्कूटर का चेहरा काफी आकर्षक बनाया है, जिसके बीच में हेडलाइट लगा हुआ है। हस्कवर्ना वेक्टर का साइड प्रोफाइल भी काफी दमदार है और इसे बेहतरीन लुक देता है। हस्कवर्ना वेक्टर का रियर प्रोफाइल भी काफी अच्छा दिखता है, जो इसके पूरे लुक पर सूट करता है। उस स्कूटर के स्टाइल को बिना तामझाम वाला रखा गया है, जिससे सिंपल होने के बाद भी ये काफी आकर्षक दिखता है। अब इसकी कीमत की बात की जाए तो कंपनी इस बेहतरीन दिखने वाले स्कूटर को 1,10,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है। हमें लगता है कि आपको अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर हस्कवर्ना वेक्टर के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा और अपनी फेवरेट स्कूटर की लिस्ट में वेक्टर अभी से शामिल हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।